बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ चैनल ते मैं मां ताड़ी होस्ट फौजिया भट्ट। जिस तरीके नाल मैं पिछे एक प्रोग्राम लैके आई सां ते मैं तुहानू एक गल दसी सी कि साडा जिहड़ा चैनल है वह सिर्फ और सिर्फ रहमानी बरादरी नूं प्रमोट नहीं कर रहा बल्कि हर दुनिया के बंदे नूं प्रमोट कर रहा है। लेकिन जदों ये सब नूं प्रमोट कर रहे सन तो मैं तुहानूं पिछली बारी भी दसना नहीं सब भुली तो अज भी दसना नहीं भुलांगी कि मैं अपने सीओ साहब नूं कहा कि तुसी जो एडा वड्डा गुलदस्ता लैके चलते हो पे तो असी रहमानिया नूं क्यों पिछे छड्डदे जा रहे हैं। इन्हां दे विचों भी जिहड़े हीरो अगे अगे हो रहे ने जिहड़े काम कर रहे ने जिहड़े सितारे ने जिहड़े झिल मिलांदे सितारे ने जिहड़े इस गुलदस्ते की तरह एक दूजे दे नाल जुड़ के काम कर रहे ने और अपनियां खुशबूआं फैलांदे जा रहे ने असी उन्हां नूं किस तरीके नाल इग्नोर कर सकते हैं। तो उस ही प्रोग्राम का एक होर सिलसिला एक होर कड़ी लैके मैं ताड़े कोल आई हाँ जिहदे विच मैं पाकिस्तान की नामवर शख्सियत लाला गुलजार कालूपुरिया जिला गुजरात के रहण वाले ने जिन्होंने मरकजी तंजीम रहमानी बरादरी की पाकिस्तान इतफाक ग्रुप के नाम के उत्ते बनाई है। लेकिन वो काम करते जा रहे सन तो साड़ा दिल किया कि इस हीरो नू इस सितारे नू इस फुलां दे गुलदस्ते चो कढ़ के एक फुल ताड़े सामने पेश किया जाए तो ताड़ी मुलाकात करवाने आ लाला गुलजार कालूपुरिया दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है भाई? ठीक हो? ठीक ठीक। ऐ ताड़ा नाम लाला गुलजार ते समझ आ रही है ते ऐ कालूपुरिया? ए मेरा आजाद है मेरे इलाके का ना है मेरी ये पहचान है इलाके की पहचान जी है सनातू है जी माशाल्लाह महल्ले का ना है ते वो मेरे ना तू तारफ होता है ज्यादा। ठीक हो गया। कालूपुरिया लकब है। तुसी कदों ते किथे पैदा हुए? मैं मदीना शहीदा जिला गुजरात दे विच उत्थे पैदा होया ते इब्तदाई तालीम भी उत्थे ही हासिल की थी? जी प्राइमरी तक मैं उत्थे पढ़िया तो उस तो बाद असी शहर तालीम हासिल की थी गुजरात शहर। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਤੇ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ। ठीक है। तो चार जड़िया ने सिस्टर ने जिन्हों चु एक जड़ी है उदी डेथ हो गई तीन मौजूद ने माशाल्लाह। ए देखो जड़ी भी रहमानी बरादरी है या वेलफेयर ट्रस्ट बनते ने इन्हां दे विच बस इंसान ने सेवा ही करनी होंदी है जी जी। ताड़े अंदर ये जज्बा किंज पैदा होया? एक तो मेरा जड़े वड वडेरे जिस तरह के मनु विरासत च ये खिदमत का जज्बा और प्यो दादे तो मिली है। दूसरे नंबर पर मैनू पीरो मुर्शद दे नाल बड़ी लगाओ आया तो उन्हों को मैं इजाजत लैन गया इलैक्शन वास्ते नाजम दा नैब नाजम दे इलैक्शन जिले शुरू हुए तो उन्हें मैं इजाजत ना दी। उन्हें आख्या झूठ फुराट है तो असी नहीं तैनू इजाजत देनी। तो मैं आख्या मैनू बड़ा शौक है खिदमत करन दा लोकां दी भलाई कमां दी। उन्हें आख्या यार असी तैनू वह बना सड़ा जिदी तेन पूरे पाकिस्तान तेरी पछाण होगी माड़े लोगों के तू दिल दे नाल जितनी खिदमत करे उन्नी तेन उतू। फिर मैं जज्बा पैदा होया लगन होगी पीरो मुर्शद की दुआ दे नाल। पीरो मुर्शद साहब का भी नाम दसना चाहोगे जी? जी क्यों नहीं जी। सरकार नौशो पाक सरकार ने अडमाल शरीफ तू तो मैं जिन्हों का बैस सी बाबा सिंगर पीर सरकार ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਤ ਨੋਸ਼ੋ ਪਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਤਫਾਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤ ਨਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ
और मुलक दे वेच बरादरी दे वेच जालत खत्म होवे, असी अपनी बरादरी नू प्रमोट करना चाहते हैं, अगे लियाना चाहते हैं। हर महकमे च साडे लोग जेड़े ने बरादरी दियां, जेड़े लोग नहीं इन्ने जो वे तलीम नहीं कर सकते, उन्हां दा असी साथ दे के ते उन्हां नू अगे लियाना चाहते। तुसी ए जेड़ा इत्तफाक ग्रुप बनाया वे, इहदी जरूरत तुसी किस तरह और क्यों महसूस कीती? एक तो ये जज्बे की गल है, एक मैनू शौक सी कि मैं कुछ आप करा मुलक वास्ते, कौम वास्ते, बरादरी वास्ते, और अल्लाह ताला ने मैनू ताकत फीक दिती है जिदे च मेरे नाल बरादरी दे लोग भी शामिल ने हर जिले हर शहर तू, और जिदे च रमानी बरादरी दी जितनिया तंजीमां ने अगे चारियां उन्हां च सारे नालों जड़ा ना जी इन्हां दा सिलसिला रमानी वेलफेयर जिदा अपना सदर तारक साहब ने और अपना असगर पहलवान साहब ने, इन्हां दा जज्बा इन्हां दा काम ठीक है, असी इन्हां दे साथ मिल के ते असी आवाम दी खिदमत करना चाहते हैं। यानी कि तुसी जड़ी इत्तफाक ग्रुप बनाई हुई है, इहदे छोटे छोटे यूनिट होर भी मौजूद ने जी, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਬੇਸਕੂਨੀ ਔਰ ਬੇਸਲੂਕੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। लाला गुलजार साहब, ए ते दसो कि इत्तफाक ग्रुप जेड़ा तुसी तैयार कीता, इनु किन्ना करसा हो गया और इन्ने केड़े केड़े काम कीते न? ए इत्तफाक ग्रुप को थोड़ा अरसा ही होया है, काफ़ी अरसे तो मेरे पीछे लगे सन लोग कि लाला जी तुसी आओ, काफ़ी तंजीमा ने अगे मेरे नाल राबता भी किया, लेकिन मैं चाहता सा कि मैं आप अपनी सरबराही च ये काम करा, ते कु साल दे लगभग अरसा हो गया जिदे च असी अजे ते जेड़े ने काम कुछ ते असी ओपन नहीं किते अल्लाह नू राजी करन वास्ते, कुछ काम ऐसे ने जेड़े हुण असी मीडिया ते भी और लोकां ने सानू शो कर दिता है, जिदे च ज़्यादा गरीब मस्कीन और जेड़े को दो दो साल दे लोकी साडी बरादरी दे जिन्हां नू हक नहीं मिलिया, जिन्हां दे नाल जुलम ज्यादतियां हुई उन्हां दी एफ आई आर नहीं कटन हुई, थाणियां च उन्हां नू पुछदे कौन नहीं, उन्हां लोकां दे कम्मां नू उन्हां लोकां फिर मेरे नाल राबता कीता ते मैं उन्हां दे मसायल हल कीते ने, उन्हां दी एफ आई आर कटाईयां, उन्हां दे मुलजम गिरफ्तार कीते। सही, तुहाडा की ज़ेहन है कि तुसीं अपनी जिहड़ी तहरीक लै के चले हो, एक जिहड़ा इहदे विच इक माइंड हुंदा है कि मैं इहदे विच सिर्फ सिविल लोकां नू, पढ़े लिखे लोकां नू या रहमानी बरादरी नू या सिर्फ अफसरान नू लै के चलांगा, तुसीं ऐसा की माइंड तैयार कीता है? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं, असी वेखांगे जेड़ा बंदा सानू काबल नज़र आया उन्हूं असी नाल लै के चलांगे, फिलहाल साडा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं, असी जिहदे च काबलीयत और बलादरी नू दूसरे लोगों को फायदा देने की काबिलियत हुई उन्हें असी नाल लै के चला। जी बहुत अच्छी गल है, आने वाले वक्त दे विच तुहाडा लाया अमल की होएगा? आने वाले वक्त च साडा इंशाअल्लाह लाया अमल, असी दूसरे शहरों का विजिट करांगे, ठीक है जी, ते दूसरे लोगों नाल राबता करके इंशाअल्लाह असी अपने कामयाबी अल्लाह ताला साडे मुकद्दर बनेगी और इंशाल्लाह असी विजिट करांगे हर शहर दा। सही जी, ताड़े तो पहले भी इस बरादरी दियां कुछ तंजीमां बनियां हुईयां ने, ते की तुसी अपने दिमाग च एक गल सोची है कि तुसी केड़ी तंजीम दे नाल चलना पसंद करोगे? जी मेरे वैसे ते सारे साडे भाई ने, असी साडा जेहन नहीं शर पसंद नहीं, असी सारे साडे भाई दोस्त ने, लेकिन कारकर्दगी जेहड़ी है रमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान है जड़ी, ठीक है, ये इन्हां दे जड़ा कारकर्दगी बेहतर है, इन्हां दा सानू अच्छा लगता है और साडे असी चाहने असी इन्हां नाल मिल के जड़ा ना अगा वधीए, ठीक है, कुछ काम इन्हां दे सानू चंगे लगते ने ते कुछ असी इन्हां दे नाल मिल के
इंशाल्लाह बेहतर करा जंजीर दे नाल जंजीर बांधी जाएगी। लाला गुलजार साहब ने बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां ते लाला साहब मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इस बारे विच ए भी दसना चाहवांगी कि यह जिहड़ी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट है ये तुसी ते रहमानी हो के इस ट्रस्ट दे विच आए हो ते मैं बट हो के इस ट्रस्ट दे विच आई हाँ क्योंकि जदों मेरी मुलाकात काफ़ी अरसे तो असगर पहलवान साहब दे नाल सी लेकिन जदों असगर पहलवान साहब ने मैं दो चार अपने प्रोग्रामां च बुलाया दो चार प्रोग्रामां च बुलाया तो उत्थे मैं वेख्या कि बच्चियां दी तालीम नूं बहुत ज़्यादा जड़ा वे तवज्जो दिती जा रही है उस तो बाद बच्चियां दे हाथां नूं हुनर दिता जा रहा है कि कल नूं वह परेशान ना होण बच्चियां नूं सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है उन्हां नूं पढ़ाई ते तवज्जो दिती जा रही है उन्हां नूं पार्लर दा काम सिखाया जा रहा वे उन्हां नूं एक शऊर दिता जा रहा है। जदों मैं इस शऊर नूं देखिया नाजरीन ते मेरा दिल कीता कि मैं इन्हां दे नाल मजीद अटैच हो के ते इन्हूं अगे तो अगे वधाउण दी कोशिश करिए क्योंकि हमेशा यही नहीं हुंदा कि बरादरी इज़म ही सब कुछ हुंदी है किते किते इंसानियत अज़म भी बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है ते असी सारे मिल के अल्लाह का लख लख शुक्र है कि एक चैनल भी चला रहे हैं ते ओ दे विच बहुत वड्डी कारकरदगी ते असगर पहलवान साहब दी है ते असी भी उन्हां दे नाल थोड़ा टुटे भज्जे लगे फिरने हैं लेकिन ओदा सिलसिला ये वे कि बहुत सारे नाजरीन या बहुत सारे मुखालफीन नू इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है कि वह ये समझते हैं कि असी जिहड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं असी पैसे वास्ते कर रहे हैं असी लोगों को पैसा बटोर रहे हैं असी पता नहीं की कुछ बना रहे हैं। नाजरीन और साढ़े मुखालफीन ऐसी कोई गलबात नहीं है। आज मैं खुल के कैमरे के सामने एक गल करना चाहवागी कि इतों हर बंदा अपनी जेब चो पैसा लगा रहा आवाम को पैसा नहीं बटोर रहा बल्कि कोशिश ये कर रहा कि कोई सना खुआएं या कुरा हजरात ने या किसी नू नात पढ़न का शौक है या किसी नू एक्टिंग करन का शौक है जिन्हों को लोग दस दस भी हज़ार रुपया इन्ह कैमर के अगे खिलोण का लेंदे ने ओदे विच असगर पहलवान रहमानी चैनल दे उत्ते बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म देंदा ते लोग अगे वधदे ने मेरे जैसे लोग भी अगे वधदे ने ते होर लोग भी अगे वध रहे ने ते जांदियां जांदियां लाला गुलजार साहब नूं कहांगे कि तुसी रहमानी बरादरी नवी पोत और अपने माशे नूं की पैगाम देना चाहोगे। मेरा पैगाम सारे वास्ते ये वे बरादरी वास्ते ये वे सारे दोस्तों वास्ते कि आपस विच इतफाक सलूक और छोटिया छोटिया गलों का इशू जरा बना के बेतफाकी पैदा की है अल्लाह ताला नू ये नापसंद चीज़ा ने इन्हों दूर किया जाए और आपस में एक हो के एक मुठ हो के ते अपनी बरादरी आवन वाली नस्लों बेहतर करन और बच्चों तलीम देन अच्छी तलीम देन असी उन्हों का साथ देंगे उन्होंने मंजिले मकसूद ते कामयाबिया दे विच असी उन्हां दा शाना बिशाना नाल हाँ। इस गल्ले असी तंजीमां बनाईयां और सानू कोई किसी चीज़ का शौक नहीं ते असी सारे नू तफाक दे ये मैं पैगाम देंगा आपस विच मिलजुल के तफाक करन जी। बहुत शुक्रिया लाला गुलजार साहब ते नाजरीन इंशाल्लाह ताला अगले फिर प्रोग्राम दे विच एक अच्छे जे हीरो नू एक अच्छे जे गुलदस्ते दे फुल नू लैके फिर तुहाडे कोल गलबात होगी ते अज दे प्रोग्राम दा इख्तिताम इत्थे ही करने आ ते इजाजत दियो अपनी होस्ट नू अल्लाह हाफिज ते पाकिस्तान जिंदाबाद।